नमस्कार, मैं हूं सोम सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। जब जानते हैं कुछ दिनों बाद ही गारा पंचायत में चुनाव है, हालांकि कोचस प्रखंड के अंदर पड़ता है। और अभी हम लोग गारा पंचायत के गारा गांव में उपस्थित हैं। हमारे बगल में पूर्व मुखिया जी भी हैं, तो बिना किसी तरीके इनसे परिचय लेते हैं। हालांकि देखिए, जो पूर्व मुखिया रह चुका है उसे उसकी कोई परिचय की मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो कि हमारे नियम है, हम उसका परिचय लेना चाहेंगे और फिर से जो है कि आगे बातचीत में बने रहिए। मुखिया जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार हम चाहेंगे अपना संक्षेप में आप परिचय दीजिए। धन्यवाद। मैं अनिल कुमार राय, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया प्रत्याशी, गारा पंचायत। अनिल कुमार राय नाम होगा मेरा। देखिए राय जी, अगर चूंकि इन शॉर्ट अगर बात करें तो लोग डायरेक्ट टाइटल से ही बताते हैं। मुखिया जी, अगर आप जो कि सत्ता में रहे, आप थोड़ा सा हम इंडिकेशन चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान उस चीज़ों पर डालिए जो आपने कार्यकर्ता रहते हुए चीज़ें कराई। मैं 2001 में इस पंचायत का जिम्मेवारी मुझे मिला। मैंने इस पंचायत और गांव के लिए, अगल बगल के लिए कोई मेन रास्ता नहीं था, जिसको मैंने लगकर 2001 से 2005-06 में एक गारा पंचायत के लिए मेन रास्ता देने का अपनी पूरा प्रयास किया, और जिसकी सफलता भी हम लोगों को मिली 2005-06 में। अच्छा। पूरा पंचायत को हमने एक रास्ता देते हुए एक मार्ग से निकालने का प्रयास किया। ये तो आपके 2001 और 2006 के रीजन का काम है। उसके बाद का रीजन का, 2011 में हम लोगों के पानी की समस्या थी। अच्छा। जिसके चलते हम लोगों ने एक बड़ी टंकी और जो है पूरे पंचायत स्तर पर लगवाने का काम किया। जो नल जल वाला बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, नल उस समय नल जल की योजना नहीं थी, ये आपके विभागीय मत से काम हुआ था, सहमति से हुआ। अच्छा। देखिए मुखिया जी, जैसे आपने जल जमाव कहा, इसी से मेरा एक इंडिकेशन रहेगा। मैंने एक इंटरव्यू अपने ही चैनल पे चलाया है, आपके गांव का एक पोखरा है जिसके नियर अबाउट एक शंकर जी का मंदिर भी है। जी। और वो पूरा पोखरा जो है मलबल एकदम, मतलब कि ये दलदल है गंदगी का, पूरे गाँव का आई थिंक कि उसमें जो है कि गंदगी बहता है, वो मलमूत्र हो चाहे जो भी चीज़ें हों। उसका जो नाला, हमें एक चीज़ बड़ा डिफेक्टिव लगा कि मंदिर के जस्ट आगे जो है कि वो नाला गया हुआ है। अगर इंसान घर से नहा धोके शुद्ध होकर मंदिर में जाना चाहता है तो वो तो नाले को क्रॉस करेगा, और नाला जो है उसमें पवित्र चीज़ें तो बह नहीं रही, गांव की तमाम गंदगियाँ ही हैं, तो वो इसी को लांग के उसको मंदिर में जाना है तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसी निजात कैसे मिलेगा, ये बताइए, क्योंकि आपने कार्यकर्त भी रहे, और फिर क्या जो कि फ्यूचर प्लानिंग है? हम पहली बार मुखिया बने तो सबसे बड़ी जो समस्या थी उसने हम लोग मैंने प्रयास से ख़त्म हुआ। वर्तमान जो है, आप पोखरे की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में भी इस तरह की बात पहले भी थी और आज भी थी, आज भी है। और मैं इस बार मुझे अवसर मिला, इस पंचायत की जनता ने मुझे सौभाग्य दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैं पहले ही इसके दिमाग में अपने बैठा चुका हूं कि जो जो हमारे पंचायत और गांव में मेन जो काम है, जिसमें ये आपका पोखरा है, और दूसरी समस्या इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या फिलहाल जो वर्तमान हमें दिखाई दे रही है, मेन नली की जो व्यवस्था है। सारे गलियों की नली तो बन चुकी है, लेकिन जो किसी रैयती किसान के ज़मीन में गिरता है, जिसके चलते हम आपस में भाईचारा का संबंध जो है टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं जल जमाव के कारण ही सारी चीज़ें, जल जमाव के कारण ही हो रही है। और मेरा लक्ष्य है, जैसे आपने हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्य को सुरक्षित रखने का, उसको सौंदर्यीकरण करने का, जिसमें पोखरा है, आहार है, कुछ बहा भी हैं, कुछ रास्ते जबकि बन चुके हैं, एक आध दो रास्ते हैं, वो हम लोग बनवाने का प्रयास इस 5 साल में हम लोगों का पूरा वादा है, और हम लोग कर दिखलाएंगे। देखिए मुखिया जी, वहाँ पे जब हम ये बाइट सारा कुछ कर रहे थे मंदिर के आगे, तो कुछ नवयुवकों ने वहाँ बयान दिया कि इसका फंड राइज होता है लेकिन कार्य पूर्णति का पूर्ण रूप से होता नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सब आम जनता है, अपना अपना विचार बिल्कुल रखते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक कटुता की भाव से बोलते हैं। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों को सच्चाई का सामना करना चाहिए। पिछले 5 साल में भी उन लोगों के पास जो लड़के बोल रहे थे उनको अपनी बात जान सकते थे, लेकिन जान कर न चुनाव के पीरियड में बात करेंगे लोग। अच्छा। और सच्चाई का सामना नहीं करेंगे।
कुछ हैं समस्याएं इस तरह की, कुछ सामाजिक टाइप की, लेकिन अच्छा। हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, बात करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। देखिए मुखिया जी, अगर जब भी प्रचार प्रसार हो रहा है चुनाव का, हालांकि 48 घंटे बाद चुनाव होने, कल के बाद, क्षेत्र से इस बार उम्मीदें क्या आ रही हैं आपको लेकर? हम लोग पूर्णतया आश्वासित हैं कि हमें जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं खेलना चाहेंगे जी। देखिए महोदय, चूंकि आपने जो रिटेबल कार्य गिनाया था, संभव आपने जितना हो सका अपने से कराया, इस बार भी अगर आपको जनता चुनती है अपने पंचायत की, राइट, तो इस बार देखिए नली गली चक रोड ये तो होता ही रहेगा, बेसिक चीज़ है पंचायत के लिए। क्या कुछ इस बार एडवांस सोचे हैं पंचायत को देने के लिए, अगर आप चुन कर आते हैं इस बार तो? हम लोग, मैंने, मेरा उत्साह और उमंग इस तरह का है कि कोई, हम लोग 2-3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उमंग में कमी नहीं आई है, और फिर एक नया कीर्तिमान, कोई कार्य ऐसा 5 साल में करेंगे जो पंचायत का एक मुखिया के स्तर से ऊपर का होगा। अच्छा, मतलब मुखिया के अहदे से ऊपर वो चीज़ होगा, ऊपर का चीज़ होगा। लेकिन चलिए, आपने बातों बातों में वो चीज़ इंडिकेट नहीं किया, आप शब्दों से खेल गए। चलिए देखिए मुखिया जी, अंत में हम चाहेंगे आप कुछ, जैसे आपके जो पंचायत की जनता है, मतदातागण है, मालिक है, इस समय वही मालिक है, मालिक उन्हीं को सब कुछ करना है और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि कैंडिडेट कितना भी प्रयास कर ले, जब तक अपने मतदाताओं को संतुष्ट नहीं करेगा, अपनी बातों को रख के, अपनी चीज़ों को रख के, अपने कार्यशीलता को रख कर, तब तो वो मतदाता उसको वोट नहीं करेगा। ठीक, तो अपने मालिकों से कुछ कहना चाहेंगे अपने पंचायत की? मालिकों से हम यही कहेंगे कि आपने 2011 से लेकर 2016 तक हमें अपना आशीर्वाद, प्यार और दुलार दिया है, और मुझे पिछली बार भी दुलार दिया था। ये किस्मत की बात थी कि थोड़े से वोटों से हम लोग पीछे रह गए, लेकिन इस बार मैं अंदर, मेरे अंदर पूर्ण विश्वास है और उम्मीद पुनः रखता हूँ कि आपका इस बार हर एक बार की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मतों को देकर हमें पुनः विजयी आप बनाएंगे, और मैं आपका इस ऋण को 5 साल में पूरा करने का वादा करता हूँ। चलिए, हालांकि इन्हीं शब्दों के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब देखना ये है कि मुखिया जी फिर से आते हैं चुनाव में, सत्ता में, और बागडोर फिर से जनता देती है, तो क्या कुछ पंचायती हित में कार्य करेंगे? चलिए, इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्षेत्र में नए प्रत्याशी के साथ। तब तक लिए देखते हैं दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम।